उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कथित माफिया बहस के केंद्र में है और उन्हें केंद्र में लाने का काम किया है बीजेपी ने। बीजेपी का खुलेआम आरोप है कि समाजवादी पार्टी ने सरकार में रहते हुए माफिया तत्वों को बढ़ावा दिया और अब उन्हें चुनाव के टिकट दे रही है। केंद्रीय गृह मंत्री ने ये दावा भी किया है कि बीजेपी के योगी आदित्यनाथ के राज में माफिया जेल में है या प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं। मित्रों, हम यहाँ पर विकास की बात लेकर आए, हम यहाँ पर कानून और व्यवस्था की बात लेकर आए, हम यहाँ पर संस्कृति के सम्मान की बात लेकर आए और यहाँ पर गरीब कल्याण की बात लेकर आए। उत्तर प्रदेश में एक ऐसी स्थिति थी जब सपा बसपा बसपा सपा सपा बसपा ये बुआ भतीजा की सरकारें जब चलती थी तब पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर माफियाओं का राज था या नहीं था? जोर से बोलो भाई, ऐसे नहीं था या नहीं था? कहीं इमरान मसूद बैठे थे, कहीं आजम खान बैठे थे, कहां अतीक मोहम्मद बैठे थे, कहीं और कोई बैठा था और सारी जनता सहमी हुई दिखाई पड़ती थी। आज आपने 2/3 बहुमत दिया योगी जी को, भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, पलायन कराने वाले माफिया आज उत्तर प्रदेश से पलायन कर गए। माफिया तीन ही जगह पे है, तीन ही जगह पे है, या तो उत्तर प्रदेश छोड़ गए हैं, या तो जेल में है, या अखिलेश की प्रत्याशी की सूची में है, चौथी कोई जगह पे नहीं। तीन ही जगह पे माफिया है, जेल में है, उत्तर प्रदेश के बाहर है, या तो अखिलेश जी की प्रत्याशी की सूची में है। और ये भारतीय जनता पार्टी ने जो शासन योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में दिया है, इसका परिणाम है कि पूरे उत्तर प्रदेश से माफियाओं का सफाया हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने यूपी चुनाव में मंच से खुलेआम आजम खान का नाम लिया और उन्हें माफिया बताया। आजम खान पिछले 1.5 साल से अलग अलग मामलों में जेल में बंद है। इसके पहले अमित शाह ने कहा था कि आजम खान पर लगाने के लिए धाराएं कम पड़ गई।